एवरीवन, मैं रोहित कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेस में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय जल संसाधन के बारे में। इसके पहले हमने पहला चैप्टर संसाधन देखा, उसके बाद से दूसरा चैप्टर भूमि संसाधन देखा। इसी कड़ी में आज हम तीसरा अध्याय जल संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि जल के स्रोत क्या क्या है, यानी जल कहां-कहां से हमें मिलता है। सबसे पहले पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है, भूमि और जितने भी जल है, यानी पृथ्वी अगर 100% है तो उसका 70% तो सिर्फ जल है और 29% भूमि है। जल की अधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहा गया है। यानी कि पृथ्वी पर 70% तो सिर्फ जल है और हम अंतरिक्ष पर जब पृथ्वी को देखा जाता है तो जल की अधिकता की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देती है, क्योंकि जल का जो कलर होता है वो नीला होता है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। विश्व के कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है जो खारा होता है। यानी पृथ्वी का 100% जल में 70% जल है, उस मान लीजिए कि 100% जल है, उसका तो 96.5% तो सिर्फ समुद्र में पाया जाता है और उस समुद्र का पानी खारा होता है, यानी वो पीने योग्य नहीं होता है। पीने लायक मीठा पानी यानी मृदु जल मात्र 2.5% है, जिसका 70% हिम क्षेत्र यानी हिमनद नदी में मिला हुआ हिमनद में मिला है। यानी कि देखिए मीठा जल सिर्फ 2.5% है, लेकिन उसमें भी 70% तो सिर्फ ग्लेशियर है। यानी कि हम 70% तो सिर्फ ग्लेशियर है, मीठा पानी में भी सिर्फ हमको 30% मिलता है, जिसमें भूमिगत जल के माध्यम से हम लोग पीने योग्य पानी मिलता है। पृथ्वी पर जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, यथा पृष्ठ भूपृष्ठीय भूमिगत वायुमंडलीय और महासागरीय है। यानी कि जो जल के स्रोत है हम लोगों के, वो भूमिगत जल स्रोत है या नदियों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर होती है। यानी भारत में अगर वार्षिक औसत वर्षा की बात करें तो 120 सेंटीमीटर होती है। धरातल पर जल झीलों तालाबों नदियों और जलाशयों में पाया जाता है। नदियां धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत है। जल विज्ञान के आधार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। यानी जो हम लोगों का स्रोत है जल का, वो झील है, तालाब है, नदियां हैं और भूमिगत जल है। जल विज्ञान के आधार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक हिमालय क्षेत्र नदियां और एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र नदियां। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए हिमालय की नदियां क्या होती है। हिमालय की नदियों का उद्गम हिम क्षेत्र तथा हिमानिया है, अतः हिमालय की अधिकांश नदियां 12 मास होती है। यानी जो हिमालय से नदियां निकलती है, जैसे में गंगा हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ये जो भी नदियां हिमालय से निकलती है वो सालों भर बहती रहती है। क्यों बहती रहती है? क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। इस कारण अब हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है और टेम्परेचर घटने के कारण वहां पे हमेशा वहां के पर्वतों पर बर्फ जमा रहता है और वहीं बर्फ पिघल के नदियों पानी बनकर नदियों के माध्यम से हमारी तरफ आता है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। हमने जो भी नदियां हिमालय से निकलती है वो सब हिमालय नदियों में आ जाएंगी। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदियां, यानी भारत के मैप में दक्षिण भारत का जो एरिया है उसी को प्रायद्वीपीय नदी है, वहां से जो नदियां निकलती है वो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम क्षेत्र मुख्यतः पठारी क्षेत्र है। ये नदियां पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, अतः इन नदियों का मौसमी नदी भी कहा जाता है। यानी जो यहाँ की नदियां हैं, यहाँ की जो नदियां है वो सिर्फ वर्षा में ही वर्षा में ही सिर्फ भरी रहती हैं, बाकी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ये सूख जाती हैं, क्योंकि इनका मुख्य स्रोत सिर्फ वर्षा ही है। इनका बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं, इन कारण ये सालों भर नहीं बहती है, सिर्फ वर्षा के मौसम में ही ये बहती रहती है। अब देखते हैं जल संसाधन का वितरण, यानी जल संसाधन किस प्रकार बटा हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसे जल गोलार्ध की संज्ञा दी गई है। यानी जो पृथ्वी है उसको दो गोलार्ध में बांटा गया, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जल की अधिकता सबसे ज्यादा है, इसी कारण इसे जल गोलार्ध भी कहा जाता है।
भारत में विश्व की कुल आबादी का 70.5% निवास करती है, जबकि इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। यानी जो हमारे भारत के विश्व की कुल आबादी का 17.5% आबादी रहती है, लेकिन हम लोग के पास पीने के लिए कितना पानी है? सिर्फ 4%। अब देखते हैं बहुदेशीय नदी परियोजना क्या होती है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद से भारत आत्मनिर्भर बनने तथा लोगों को जीवन स्तर सुधारने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत नदी घाटी परियोजना विकसित की गई है। इनमें से कुछ बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। आगे हम पढ़ने वाले बहुदेशीय परियोजना के बारे में, कौन कौन सी बहुदेशीय परियोजना है। बहुदेशीय परियोजना क्या होती है, देखिए इसमें क्या किया जाता है। नदी बहती है, नदी के जब नदी बहते हुए आती है तो यहाँ पे डैम बना दिया जाता है, यहाँ पे डैम बना दिया जाता है, और डैम बनाकर पानी को एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे बड़े बड़े फाटक होते हैं, उनको रोक कर और यहाँ पर बिजली पैदा करने के लिए यहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है। और जब ये नदी को फाटक खोला जाता है, इसमें से 2-4 फाटक को ही खोला जाता है, और नदी जब इतनी तेज धारा के साथ बहती है तो टरबाइन नाचता है, और टरबाइन नाचने की वजह से वहां पे जल, यहाँ पे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उसके बाद से इसका और भी उपयोग है, यहाँ से छोटे छोटे नहरें खोल दी जाती है और उन नहरों में पानी जाने दिया जाता है, ताकि वहां के किसानों को जो भी उस नहर से उसके क्षेत्र में आते हैं उनकी खेतों की सिंचाई अच्छे से हो सके। उसके बाद से यह सड़क के काम में भी आ जाता है, देखिए यहाँ पे सड़क का भी काम आ जाएगा। यानी बहुदेशीय परियोजना सिर्फ एक कार्य के नहीं बहुत सारे कार्यों के लिए संपादित होती है। इसी कारण इसे बहुउद्देश्य यानी अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इसीलिए इसका नाम दिया गया है बहुउद्देश्यीय परियोजना। अब देखते हैं इन परियोजनाओं का उद्देश्य है समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा था, और उनका विचार था कि ये परियोजना देश में कृषि उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इत्यादि को समन्वित रूप से विकसित कर सके। यानी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुउद्देश्यीय परियोजना को भारत का मंदिर कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी भारत का मंदिर, बहुउद्देश्यीय परियोजना को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत में कई बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं बनाई गई, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। अब देखें ये कौन कौन सी बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। सबसे पहले देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि यह दामोदर नदी पर बनी है, इसी कारण इसका दामोदर घाटी परियोजना नाम दिया गया। यह स्वतंत्र भारत की पहला नदी घाटी परियोजना है, जिसके अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों पर अनेक बांध बनाए गए हैं। यानी दामोदर घाटी परियोजना कहां इसका है क्षेत्र है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, और यह दामोदर नदी पर बनाया गया है, और यह भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो दामोदर घाटी परियोजना है। अब देखते हैं भाखड़ नागल परियोजना, भारत का सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध, यानी कि जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर, हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर 1948 ईस्वी में बनाया गया। इसके पीछे एक विशाल जलाशय गोविंद सागर झील है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली इत्यादि इसके लंबवत राज्य हैं। यानी जो ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है, यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है, और इससे किस किस राज्य को फायदा होता है? तो पंजाब को, हरियाणा को, और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में इसका फायदा होता है। अब देखते हैं हीराकुंड परियोजना, इसके अंतर्गत उड़ीसा में महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। यानी कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, और यह कहां बनाया गया है? तो उड़ीसा के महानदी पर। यह सब याद रखिएगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। और याद रखिए कि सबसे बड़ा, अगर कोई फैक्टर आ जाता है, जैसे सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसके पीछे वाला, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कोसी परियोजना, यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत कोसी नदी की भयंकर बाढ़ से बचने और विद्युत उत्पादन के लिए इस नदी पर नेपाल के हनुमानगढ़ नगर में बांध बनाया गया है। यानी कि हम जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी हर साल बिहार में
बाढ़ लाती है। लेकिन इसी नदी इसी बाढ़ को रोकने के लिए यहाँ पर परियोजना बनाया गया है, कोसी परियोजना। इससे कौन कौन से लाभान्वित होते हैं? एक बिहार स्टेट यानी हमारे भारत का बिहार और नेपाल, नेपाल भी इससे लाभान्वित होता है, जिसके अंतर्गत कोसी नदी की भयंकर बाढ़ से बचाने के एवं विद्युत उत्पादन यानी बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस नदी पे नेपाल और यह कहां बना है? तो नेपाल के हनुमानगढ़ नगर में यह बांध बनाया गया है। अब देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना। यह दक्षिण भारत के सबसे बड़ी परियोजना है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया है। इससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लाभ होता है। यानी तुंगभद्रा परियोजना यह दक्षिण भारत की, यानी भारत को दो भाग में बांटा गया, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। तो यह दक्षिण भारत की सबसे सबसे बड़ी परियोजना है और ये किसके अंतर्गत आती है? तो कर्नाटक। कर्नाटक और कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होते हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये दो जो स्टेट है वो इससे लाभान्वित होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।